इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईवीएम और वीवीपैट पर विपक्ष को एक बड़ा झटका मिला है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई है। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही मामले पर कितनी बार सुनवाई की जाएगी, एक बड़ा झटका विपक्ष को लगा है। ईवीएम और वीवीपैट सुनवाई पर, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही मामले पर कितनी बार सुनवाई की जाएगी। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट से एक विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, ये याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि एक ही मामले पर कितनी बार सुनवाई की जाएगी। आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां ईवीएम और वीवीपैट पर विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये याचिका को खारिज करते हुए, कि एक ही मामले पर कितनी बार सुनवाई की जाएगी। आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। ईवीएम और वीवीपैट पर सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है विपक्ष के लिए। और इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ही मामले पर कितनी बार सुनवाई की जाएगी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई है ईवीएम और वीवीपैट के लिए, और ये विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। याचिका को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो दायर की गई थी विपक्ष के द्वारा याचिका, उसको खारिज कर दिया है। और खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ही मामले पर कितनी बार सुनवाई की जाएगी। आपको बता रहे, बड़ी खबर, जहां विपक्ष ने दायर की थी याचिका, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, और एक बड़ा झटका माना जा रहा है विपक्ष के लिए। ईवीएम और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को एक बड़ा झटका दिया है।